क्लास अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक रिकॉल टेस्ट करेंगे रिकॉल टेस्ट में पांच क्वेश्चंस होंगे जो आपकी स्क्रीन पे आएंगे आपको हर क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ के सही ऑप्शन आपको जो लगता है अपनी नोटबुक में लिखना है फिर हम चेक करेंगे कि किस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व इन ए प्री कैम्बरियन बी फैनरोजोक एन सी बोथ ए एन बी डी कैनॉट से क्वेश्चन नंबर टू है स्पॉन्जेस इवॉल्व इन मीजोजॉइकैरा पेलियोजॉइकैरा सीनोजॉइकेरा नन ऑफ दब नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड इवॉल्व फ्रॉम टेरानोसोरासरेक्स इक्थियोसोरस और निथोसोर डी नन ऑफ द अबब क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लें नाउ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट इन ए टर्शरी पीरियड बी क्रिटेशियस पीरियड C. Cambrian period. D. Silurian period. Next question a class. Mesozoic era is from A. 248 million years ago to 65 million years ago. B. 400 million years ago to 78 million years ago. C. 578 million years ago to 248 million years ago. दी सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स अगो टू टूडे क्लास यहाँ पे हम वीडियो को फिर से पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चन एंड ऑप्शन अच्छे से पढ़ लें क्लास अब आंसर्स देखते हैं फर्स्ट का है बी सेकेंड का है बी थर्ड का है सी फोर्थ का है ए और फिफ्थ का है ए नाओ क्लास अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैन की तो सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एवोल्यूशन मैन का ही हुआ है क्योंकि उन्होंने डेवलप की थी स्किल्स लाइक लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस और जो ओरिजिनल ह्यूमन इंसिस्टर थे वो दिखते थे गोरे की तरह और औरंगटैन की तरह नाउ क्लास अब हम सीखते हैं ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ और यही हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है तो अबाउट फिफ्टीन मिलियन ईयर्स अगो एंसेस्टर्स थे ह्यूमन्स के ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस जो डायोपिथिकस थे वो एप लाइक दिखा करते थे और इनके जो फॉसिल्स थे वो पाए गए थे ईस्टर्न अफ्रीका यूरोप एंड एशिया में और जो रामापिथिकस थे वो मैन लाइक दिखा करते थे एज कंपेयर टू ड्रायोपिथिक्स और इनके फॉजल्स पाए गए थे ईस्टर्न अफ्रीका और नॉर्दर्न इंडिया में उसके बाद अराउंड थ्री टू फोर मिलियन ईयर्स अगो जो एंसेस्टर्स थे वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस और होमोहेबेल्स थे ऑस्ट्रेलोपेथिकस ये भी मैन लाइक -like थे और इनके फॉजल्स पाए गए थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मोर ओवर जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस थे वो स्टोन वेपन से हंट करते थे बट मोस्टली वो फ्रूट्स खाते थे लेकिन जो होमोहेबेल्स थे वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे और जिनकी ब्रेन कैपेसिटी सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड सी थी सो आफ्टर वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस हुआ करते थे जिनकी ब्रेन कैपेसिटी नाइन हंड्रेड सी थी और इनका जो स्ट्रक्चर था वो इरेक्ट हुआ करता था मोरोवर ये मीट खाया करते थे उसके बाद अराउंड वन लाख टू फोर्टी थाउजेंड बैक नियंत्र मैन हुआ करते थे जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी हुआ करती थी और मोर ओवर ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते थे और जो मरे हुए नियंत्र मैन हुआ करते थे जो डेड हुआ करते थे उनको वो बरी कर दिया करते थे एंड आफ्टर दैट सेवेंटी थाउजेंड टू टेन थाउजेंड ईयर्स बैक होमोसीपियंस इवॉल्व हुए थे तो क्लास ये तो बात थी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में आपने सीख कि किस तरह से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं ड्रायोपिथिकस से होमोसिपियंस में नाउ क्लास जितना भी अभी तक हमने सीख लिया है उसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं रूल्स ये हैं क्वेश्चंस पढ़ेंगे ऑप्शंस पढ़ेंगे और आपको जो लगता है ऑप्शन सही है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे सो रेडी फॉर चैलेंज तो क्वेश्चन है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग वॉज ऑप्शन ए ड्रायोपिथिकस ऑप्शन बी रामापिथिकस ऑप्शन सी होमो हेबेलिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चन एंड ऑप्शन अच्छे से पढ़ लें नाउ क्लास आंसर देखते हैं आंसर है इसका सी होमो हेबेलिस